दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल आर गुरु जी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम द ओपन विंडो स्टोरी पढ़ेंगे। एच एच मुनरो की स्टोरी है ये। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में है। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी, ठीक है? थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि हु वाज मुनरो। सो एच एच मुनरो यानी कि हेक्टर ह्यू मुनरो, जिनका बेसिकली एक्चुअली वो फेमस हैं अपने पेन नेम के लिए, यानी जिस नाम से वो लिखा करते थे वो है साकी। साकी के नाम से वो बहुत पॉपुलर है, ठीक है? सो हेक्टर ह्यू मुनरो इज बेसिकली नोन बाय दिस नेम साकी, ठीक है? अब इनका जन्म हुआ था 1870 में, डेथ हुई 1916 में। ब्रिटिश राइटर थे, इंग्लैंड के राइटर थे, जाने जाते थे पॉपुलरली। एक्चुअल में जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं। और स्टोरी में भी क्या क्या किस चीज के लिए पॉपुलर है? विटी, बहुत दिमाग भरी हुई स्टोरीज, कहने का मतलब बहुत चालाकी हो जिनमें। मिस्चेवस, शैतानी भरी, प्लस मकाबर यानी कि थोड़ा सा डरावना या फियर का एलिमेंट, यानी कि इनकी कहानियों में कोई व्यक्ति या कोई कैरेक्टर ऐसा मिलेगा जो बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेज है, बहुत चालाक है, कोई बहुत शैतानी करने वाला भी है, मिस्चिवस भी, एंड साथ में मैकाबर एलिमेंट्स मिलेंगे। यानी कि स्टोरी के अंदर आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है, थोड़ा सुपर नेचुरल पावर्स इस तरह का मतलब फील आएगा थोड़ा सा। तो ये चीजें आपको इनकी स्टोरीज में नजर आएंगी। अब ये अपनी स्टोरीज में एक चीज और करते हैं, वो है एडवर्डियन सोसाइटी को सेटराइज करते हैं। एडवर्डियन सोसाइटी और वो जो कल्चर है उसको क्या करते हैं? सेटराइज करते हैं, उस पर कटाक्ष करते हैं। एडवर्डियन सोसाइटी क्या है एक्चुअल में? 1901 से लेकर 1910 तक एडवर्डियन सोसाइटी मान जाती है, क्योंकि यहाँ एडवर्ड सेवेंथ जो थे ना, उनका काल चल रहा था। ये राजा एडवर्ड सेवेंथ का इंग्लैंड में काल चल रहा था। सो बेसिकली इस पीरियड को हम एडवर्डियन पीरियड बोलते हैं। वैसे एडवर्डियन पीरियड को कुछ लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फिर जॉर्ज फिफ्थ के पीरियड तक भी काउंट करते हैं, पर हम इसको इसी मान के चलेंगे, 1901 टू 1910। तो ये इस पीरियड के कल्चर, कन्वेंशन, फैशन, इन सब का मजाक उड़ाते हैं एक तरीके से, इन पे कटाक्ष करते हैं। हुआ ये कि देखो, एडवर्डियन जो पीरियड था ना, वो इंग्लिश लिटरेचर में बोल सकते हैं, ब्रिटिश लिटरेचर में हम ऐसा कह सकते हैं कि वो गोल्डन पीरियड था। किस तरीके से? ऐसे नहीं, विक्टोरियन एज में जो डेवलपमेंट्स हुए और बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, युद्ध हुआ, तो उसके बीच में ये पीरियड पड़ता है। तो इस पीरियड में लोगों ने बहुत आराम की जिंदगी जी। यहाँ पे विमेन को राइट मिलना स्टार्ट हुए, वोटिंग राइट्स और भी बहुत तरह की राइट्स मिलना स्टार्ट हुए। विमेन का, विमेन मतलब उद्योग धंधे, ऑक्यूपेशन और डिफरेंट तरह के मतलब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगी, तो उनको अधिकार मिलने लगे। चाइल्ड लेबर खत्म हो गया। बच्चे, पहले क्या था विक्टोरियन एज में, बच्चे फैक्ट्रीज में काम करते थे, माइंस में काम करते थे, चिमनीज में काम करते थे, तो बच्चों के ऊपर बड़े जुर्म होते थे। तो वो एक्चुअल में लेबर लॉज आ गए, एंटी चाइल्ड लेबर लॉज आ गए एक तरीके से बेसिकली। तो उन लॉज की मदद से चाइल्ड लेबर भी बंद हो गया। तो ये सब चीजें हो रही थी। तो ये जो पीरियड था ना, इसमें देखा जाए तो बहुत सारी चीजें, जिसमें बोला कि लोगों के लिए बड़े आराम का समय था ये। साथ में फैशन डेवलप हो रहा था नया नया, नई नई, और इनकी जो कन्वेंशन थी, परंपराएं थी, लोगों से मिलने का तौर तरीका, प्लस बोल सकते हो कि थोड़ा दिखावा और हाइपोक्रेसी की, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ये सब चीजें ऐसी थी जो इस पीरियड में काफी मतलब उभर के बाहर आई। और इनको एक्चुअल में क्रिटिसाइज कौन कर रहा है यहाँ पे? यह हेक्टर ह्यू मुनरो, एच एच मुनरो साकी कर रहे हैं। वो एक तरीके से उनको, उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए उनका मजाक उड़ा रहे हैं अपनी स्टोरीज में, हम देखेंगे, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन द ओपन विंडो स्टोरी, स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है? स्टोरी कुछ इस तरीके से है। तो देखो, माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मिस्टर नटल। तो कोई कैरेक्टर है जो बोल रहा है कोई मिस्टर नटल से, यानी कोई कैरेक्टर, अभी उसका नाम नहीं बताया, ठीक है? वो मिस्टर नटल से बोल रहा है कि देखो, मेरी आंट जो है ना, वो थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगी। सैड ए वेरी सेल्फ पजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15। और ये जो बोलने वाली है ये कौन है? ये एक लड़की है, 15 साल की लड़की, यंग लेडी 15 ईयर्स की। उसने मिस्टर नटल को बोला है कि मेरी आंट अभी थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगी। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। इस दौरान आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं या फिर मुझे झेल सकते हैं, कहने का मतलब है, जब तक वो नहीं आती है। फ्रैंकलिन नटल एंडेवर टू से समथिंग विच शुड ड्यूली फ्लैटर द नीड्स ऑफ द मोमेंट विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट दैट वाज टू कम।
अब फ्रैम्पटन नेटल जो कैरेक्टर है उन्होंने प्रयास किया, ही एंडेवर्ड, ही ट्राइड, उसने प्रयास किया कि भाई मैं ऐसा कुछ कहूँ, आई शुड से समथिंग लाइक दैट, कि एक तो ये जो नीस है यानी कि ये जो भतीजी है ये फ्लैटर हो जाए, कहने का मतलब ये मेरे से इम्प्रेस हो जाए, क्या इम्प्रेस ऐसे नहीं मतलब क्योंकि मैं बात करने में कैसा हूँ, मेरे बात तौर तरीके से इम्प्रेस हो जाए, मतलब ठीक है फिलहाल क्योंकि यही मेरे सामने बैठी है तो मुझे इसको भी ग्रीट करना पड़ेगा, इसको इसका अभिवादन करना पड़ेगा, इसको भी कुछ हाय हेलो बोलना पड़ेगा, तो मतलब इस तरीके से बोलूँ कि ये भी इम्प्रेस हो जाए विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द अर्न दैट वाज टू कम। और जो आंट जो कि अभी आगे आएगी मिलने है ना, उसके लिए भी मेरे पास कहने के लिए कुछ बचे, मतलब ऐसा नहीं हो कि सब कुछ इसी को मतलब इसका अभिवादन करने में मैं निकाल दूं, सारे शब्द इसी को बोल दूं और आंट को कहने के लिए मेरे पास कुछ रहे ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो ये एडवर्टाइजिंग सोसाइटी में क्या, क्योंकि कुछ ज्यादा ही फॉर्मेलिटी कि आपको किस तरह से बोलना पड़ेगा, सामने वाले को ग्रीट करना है, सिंपल हाय हेलो से काम नहीं चलेगा, मतलब आप कुछ स्पेशल बोलने की कोशिश करते हैं है ना, और ध्यान रखते हैं कि घर में मतलब आप किसी एक कोई अभिवादन किसी एक तरीके से कर रहे हैं तो बाकी लोगों को मतलब एड्रेस करते वक्त भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं उनके लिए आपके पास में सटीक शब्द कम ना पड़ जाए। तो ये एडवर्टाइजिंग सोसाइटी का तौर तरीका और कन्वेंशन थी जिसका एक तरह से मजाक उड़ा रहा राइटर स्टार्टिंग में ही है ना। तो फिर क्या होता है कि भाई प्राइवेटली डाउटेड मोर देन एवर वेदर दीज फॉर्मल विजिट्स ऑफ ए सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स वुड डू मच टुवर्ड्स हेल्पिंग द नर्व क्योर व्हिच शी वाज सपोज्ड टू बी अंडरगोइंग। अब देखो प्राइवेटली उसको मन ही मन एक बात का तो डाउट रहे, किसको, फ्रैम्पटन नेटल को एक बात का डाउट है खुद के मन ही मन में, और वो ये है कि भाई ये जो फॉर्मल विजिट्स हैं यानी कि बिल्कुल अजनबी घर आ गया है, क्योंकि देखो फ्रैम्पटन नेटल नहीं जानता ये आंट कौन है, इसकी भतीजी कौन है, इस परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता है, बेसिकली सिर्फ नाम जानता है कि वो किसके घर पे आया है ना। तो उसको एक बात का डाउट हो रहा है कि भाई उसको एक बीमारी है नर्व क्योर, उसको मतलब एक तरीके से टेंशन हाइपर टेंशन इस तरह की बीमारी है, तो वो देखता है कि भाई मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ और इस बीमारी को ठीक करने में मैं अजनबियों के घर आ रहा हूँ मिलने के लिए, लोगों से मिलने के लिए मैं अजनबी घर आ रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो मेरी ये मेल मिलाप है मेरी जो विजिट्स हैं ये अजनबियों के घर आने की ये कोई हेल्प करेंगी। देखो आगे भी आपको पता लग जाएगा ये अजनबियों के घर मतलब क्यों आया है और इस घर में क्यों आया है, बेसिकली वो अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो उसको डाउट हो रहा है कि भाई मेरे जो ये विजिट्स हैं ऐसे टोटली स्ट्रेंज लोगों के घर पे जाके उनसे मिलना बातचीत करना उनसे मेल मिलाप करना उनसे जान पहचान बढ़ाना, इससे मुझे मेरी बीमारी को ठीक करने में कोई हेल्प मिलेगी, इस बात का मुझे डाउट है। आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट। मुझे पता है ये सब कैसा होता है, मतलब इस तरह से एक्चुअल में उसकी सिस्टर उसने कहा था ये कि तुझे मैं कुछ एड्रेसेस देती हूँ, क्योंकि इसकी सिस्टर रहा करती थी कभी इस एरिया में तो वो जानती थी इन इस घर को, तो इसने कुछ एड्रेस दिए इसकी सिस्टर ने और कहा कि तुम इन लोगों को जाके मिलना है ना। ग्रामीण इलाके में आया था क्योंकि देखो पहले ऐसा होता था सिटीज में कोई बीमार पड़ जाता था तो अक्सर उसे ग्रामीण इलाकों में भेजा जाता था ताकि वो वहाँ पे ग्रामीण इलाकों में जाके वहाँ के एनवायरमेंट उसका बदलेगा, ठीक है शांति होगी, थोड़ा सा उसको हेल्प मिलेगी अपनी बॉडी को ठीक करने में, तो ऐसा पहले बहुत किया करते थे। तो ये भी इसी तरीके से ये ग्रामीण रूरल साइड में आया है और यहाँ पे ऐसे घर में एंटर कर गया है जो कि उसका एड्रेस उसको सिस्टर ने दिया था इसकी, ठीक है क्योंकि इसकी सिस्टर की जानकार थे। यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू लिविंग सोल एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मॉपिंग, क्योंकि इसकी सिस्टर ये जानती थी कि भाई अगर तुम अकेले रहे तो तुम खुद को एक तरीके से खुद में घुसे पड़े रहोगे और किसी से बात नहीं करोगे, नॉट स्पीक टू लिविंग सोल, किसी से बात नहीं करोगे तो तुम्हारी जो नर्व्स की समस्या है वो और भी बुरी स्थिति में चली जाएगी, इसलिए इसको ठीक रखने के लिए इसको ठीक करने के लिए जरूरी है कि तुम वहां लोगों से जान पहचान बढ़ाओ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ लोगों के एड्रेस दे देती हूँ। आई शैल गिव यू लेटर्स ऑफ द इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर। तो देखो मैं तुम्हें लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन यानी जान पहचान करने के मतलब एड्रेस दे देती हूँ कि कौन कौन क्या क्या है, तुम इन लोगों से जाके वहां मिलना। सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेम्बर वर क्वाइट नाइस, कुछ लोग तो इन लोगों में से काफी ज्यादा अच्छे थे। अब देखो ये भी एक क्रिटिसाइज करने का तरीका है कि उसकी सिस्टर पहले ही लिख के बोल रही है कि मैं तुम्हें कुछ एड्रेस दूंगी, इनमें से कुछ तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं लोग हैं, तो ये कि भैया ठीक है एक तो जो तुम्हें लगता है कि जो अच्छे है ही नहीं तुम्हारी नजर में इतने तो उनके एड्रेस ही क्यों दे रही हूँ तो ये बात भी है, परंतु वो एड्रेस देती है ठीक है इनसे जाके मिलना, कुछ लोग तो बहुत बढ़िया है इनमें से। फ्रैम्पटन वंडर्ड वेदर मिसेस एपलटन द लेडी टू हुम ही वाज प्रेजेंटिंग वन ऑफ द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन केम इनटू द नाइस डिवीजन। अब जो फ्रैम्पटन नेटल है वो ये सोचता है, वंडर्ड थिंक अबाउट दिस,
वो क्या सोचता है कि भाई मिसेस सेपल्टन घर की मालकिन आंट, ठीक है, कि मिसेस सेपल्टन क्या उन लेडी वो लेडी है, यानी कि मेरी सिस्टर ने जिन जिन का मुझे इंट्रोडक्शन भेजा है दिया है, क्या यह लेडी उन फैमिलीज में से है जो कि नाइस डिवीजन में आती है, कहने का मतलब मेरी सिस्टर की नजरों में अच्छे लोगों में आती है, क्या ये लेडी उन्हीं लोगों में से है। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर, आस्क द नीस। अब देखो वो जो नीस भतीजी है उसने इतने में तो मतलब तक तो फ्रैम्पटन एटल मन में सोच रहा है बातें। अब उसकी भतीजी बोलती है क्या तुम यहाँ पे कुछ लोगों को जानते हो। तो व्हेन शी जज दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन, जब उसकी भतीजी को लगा कि भैया किसकी भतीजी, मिसेस सेपल्टन की भतीजी, वो लड़की नीस 15 साल की लड़की, जब उसको लगा कि काफी देर हो गई है बिल्कुल कोई बातचीत ही नहीं हो पा रही हम दोनों के बीच में, तब वो खुद ही आगे से बोलती है कि क्या तुम कुछ लोगों को जानते हो यहाँ पे। अब देखो तुम, फ्रैम्पटन लिटल उसको ग्रीट नहीं कर पाया, वो सोच विचार में रह गया कि मैं इसको किस तरीके से ग्रीट करूं इस लड़की को ताकि ये भी खुश हो जाए और इसकी आंट के लिए भी मेरे पास कुछ शब्द बचे रहे कि उसको कैसे करना है मुझे ग्रीट, उसका कैसे मतलब एक तरीके से हाय हेलो करना है। पर इस चक्कर में ये सोच सोच में वो बोल ही नहीं पाया और लड़की भी जब तक वेट करती रही कि ये मुझे ग्रीट करेगा, मतलब ये एडवर्टाइज सोसाइटी का तौर तरीका था कि सामने वाला वेट करने बैठा हुआ है इतनी देर तक कि भाई ये मुझे कुछ हाय हेलो कुछ ग्रीट तो करेगा कि भाई एक तरह से रेस्पेक्ट के तौर पे शो करने के तौर पे। बट जब वो नहीं कर पाया, वो चुपचाप ख्यालों में खो गया, तब वो परेशान होकर एंड में बोल ही देती है, खुद ही आगे से बातचीत करना स्टार्ट कर देती है कि भैया तुम यहाँ किसी और को जानते भी हो क्या। हार्डली ए सोल सेड फ्रैम्पटन, तो फ्रैम्पटन बोलता है कि मुश्किल से किसी को जानता हूँ। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर, मेरी सिस्टर रहा करती थी यहाँ सम 4 years ago, कुछ 4 साल पहले, एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर, और उन्होंने मुझे पते दिए हैं यहाँ पे कुछ लोगों के एड्रेस दिए हैं, ठीक है। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, और उसने जो आखिरी बात कही ना कि उसने मेरी सिस्टर ने कुछ लोगों के पते दिए हैं, उसने थोड़ा सा बड़ा ही रिग्रेट वे में बोला कि मुझे पश्चाताप हो रहा है मैं क्यों अजनबी घर आया हूँ। तो इस तरीके से टोन में बोला इसने। Then you know practically nothing about my aunt. तो देखो अब एक्चुअल में ये भी एडवर्टाइजिंग सोसाइटी का ही एक तरीके से कन्वेंशन थी कि लोग इस तरह से अजनबी से मिलने चले जाते थे, मतलब तो उसका मजाक उड़ा रहा राइटर यार, ऐसे कैसे कौन किसी घर पे जाता, मतलब जो जान पहचान कुछ नहीं सीधा पहुंच गया घर पे, ठीक है सिस्टर जानती होगी परंतु ये थोड़ी जानता है कुछ भी उसके बारे में, फैमिली के बारे में, ऐसे घरों के बारे में। अब देखो ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट, ये हो गया चलो, देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, फिर वो लड़की पूछती है इसका मतलब है फिर तुम मेरी आंट के बारे में कुछ नहीं जानते। परस्यूड द सेल्फ पजेस्ड यंग लेडी, वो लेडी सेल्फ पजेस्ड यंग लेडी मतलब खुद में ही फुली नहीं समारी हो तो, मतलब खुद ही में कोई भी ऐसी वो लेडी एक्चुअल में ये चीज मतलब ये सवाल पूछती है कि इसका मतलब तुम मेरी आंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, तो फ्रैम्पटन एटल बोलता है कि भाई केवल उनका नाम जानता हूँ और एड्रेस जानता हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर ने यही दिया है उनके बारे में। Admitted the caller, यानी फ्रैम्पटन नेटल इस बात को स्वीकार करता है, सिर्फ नाम और पता बताया मुझे और कुछ नहीं पता। He was wondering whether Mrs. Sappleton was in the married or the widowed state, और वो तो यहाँ तक भी सोच रहा था मन में कि Mrs. Sappleton शादीशुदा हैं कि इनके पति मर चुके हैं, विडो हैं, ये क्या है मतलब, ये मतलब अभी भी जिंदा है पति कि खत्म हो गए इनके। An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation, परंतु जो कमरा था ना उस कमरे को देख के एक बात का पता लग रहा था कि अनडिफाइनेबल समथिंग, कि जिस चीज को हम व्याख्या नहीं कर सकते समझा नहीं सकते, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि इस कमरे के अंदर कुछ तो मैस्कुलिन हैबिटेशन का है, यानी कि आदमी से संबंधित फीलिंग आ रही थी इस कमरे में कोई आदमी रहता है, ठीक है। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, सेड द चाइल्ड, तभी वो बच्ची बोली कि इनके साथ में 3 साल पहले एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। That would be since your sister's time, ये आपकी सिस्टर की टाइम के बाद की बात ही होगी, ठीक है। हर ट्रेजिडी, asked Frampton, Frampton पूछा उनके साथ ट्रेजिडी मतलब कैसे। Somehow in this restful country, spot tragedy seemed out of place, क्योंकि ये गांव तो बड़ा ही शांत मतलब ऐसे माहौल का है, ऐसे शांत कंट्री साइड इलाके में लोगों के साथ में ट्रेजिडी भी हो रही है तो बड़ा अजीब सा लगता है सुन के। You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon, said the niece. तभी नीस भतीजी बोली कि आपने सोचा नहीं कि हम वो खिड़की सामने अक्टूबर आफ्टरनून मतलब अक्टूबर के आफ्टरनून में काफ़ी गर्मी होती है, इस ऐसी गर्मी के माहौल में भी हमने ये खिड़की सामने क्यों खुली रखी हुई है अभी तक, आपने ये सोचा नहीं। इंडिकेटिंग ए लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू ए लॉन, तो एक विंडो की तरफ इशारा करके बताती है कि वो विंडो जो लॉन की तरफ खुल रही है ना, लॉन मतलब घास का गार्डन जो होता है ना वो, तो जो लॉन की तरफ जो ये विंडो खिड़की खुल रही है
उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने बोला कि क्या आपने सोचा नहीं कि हमने अक्टूबर आफ्टरनून, ऐसा जब मतलब महीना चल रहा है अक्टूबर का, वो भी दोपहर के समय है, और उस वक्त हमने ये खिड़की क्यों खोल के रखी है? इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैंकलिन. फ्रैंकलिन बोलता है, हाँ ये तो काफी गर्मी का समय है बल्कि. बट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी, तो पर क्या इस विंडो का कुछ लेना देना है आपकी अंट के साथ जो ट्रेजेडी हुई है उससे? आउट थ्रू दैट विंडो 3 years अगो टू ए डे हर हस्बैंड एंड टू यंग ब्रदर्स वेंट ऑफ टू फॉर देयर डेज शूटिंग. तो कहानी सुनाती है लड़की कि उस विंडो में से ही 3 साल पहले है ना, मेरी आंट के हस्बैंड और उसके 2 भाई, यानी आंट के भाई और उनका पति, ये 3 जने प्लस मतलब ये शूटिंग के लिए गए, विंडो से कूद के गए, मतलब एक तरीके से दे नेवर केम बैक, और वो वापस लौट के कभी नहीं आए. इन क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल 3 एंगल्ड इन अ ट्रेचरस पीस ऑफ बॉग. जब वो अपने फेवरेट शूटिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे तभी क्या हुआ कि वो एक दलदल में फंस गया. ट्रेचरस पीस ऑफ बॉग, बॉग दलदल होता है, ये एक दलदल में वो फंस गए. इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर यू नो एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग. और पता है ये उन ड्रेडफुल वेट समर्स में से था दिन, यानी कि गर्मियों का वो दिन जिसमें अच्छी खासी बारिश हुई, ऐसा दिन थे. तो जो दिन नॉर्मल मतलब नॉर्मल टाइम में बाकी साल के नॉर्मल टाइम्स में मतलब देखा जाए तो बारिश के अलावा, मतलब बारिश के अलावा और टाइम में जो इलाके सेफ रहते थे वो भी अनसेफ हो गए, यानी वहाँ पानी भर गया, मिट्टी के साथ में दलदल बन गया, यानी कि बारिश के अलावा बाकी मौसम में ये इलाके सेफ रहते थे वो भी अनसेफ हो गए. अब देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, और उनकी बॉडी कभी मिली नहीं क्योंकि वो दलदल में फंस के कहाँ गायब हो गए पता नहीं. दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, यही सबसे भयानक चीज है कि उनकी बॉडी कभी मिल नहीं पाई. हियर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ पजेस नोट एंड बिकेम फॉल्टरिंगली ह्यूमन. तो अब ये कहानी सुनाते सुनाते चाइल्ड की जो बच्चे की जो आवाज है वो कैसी हो गई, थोड़ी सी एक तरह से कांपने लग गई, मतलब डर के मारे, ऐसी कंडीशन, ऐसी मतलब उसकी वॉइस हो गई. पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे, मेरी बेचारी आंट वो हमेशा ही सोचती है कि एक दिन तो वो लौट के जरूर आएंगे. दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल दैट वाज लॉस्ट विद देम, वो और उनके साथ में एक भूरे रंग का स्पेनियल कुत्ता भी था, वो भी उनके साथ में गया था, वो भी खो गया. एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज्ड टू डू, और वो इसलिए खुला रखती है कि उनको उम्मीद है कि एक दिन लौट के आएंगे और उसी विंडो में से आएंगे वो, मतलब वो हमेशा विंडो से कूद के आते थे. कारण ये है कि वो मेन गेट से भी आते थे, परंतु ये जो मिसेस एपिल्टन है ये उनको मेन गेट पर आने से मना कर देती थी क्योंकि वो गंदे जूते करके लाते थे और ये चटाई बिछा रखी होती थी इसने, मतलब मेन हॉल में इन सब जगह, तो गंदा कर देते थे, इसलिए बोलते खिड़की से आओ, तो खिड़की से कूद के आते थे सीधे. इस उम्मीद में इसने खिड़की खोल रखी है, ऐसा लड़की ने बताया. ठीक है, That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. इसलिए हर इवनिंग को ये विंडो खोली जाती है जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता. Poor dear aunt, बेचारी dear aunt, प्यारी aunt. She has often told me how they went out. वो अक्सर हम मुझे बताती है कि वो किस तरीके से बाहर गए थे, उनका husband with his white waterproof coat. उनके husband के पास में एक सफ़ेद रंग का waterproof coat ले गए थे साथ में वो, over his arm. अपनी बाह पे उन्होंने कोट रख रखा था सफ़ेद रंग का. And Ronnie, her youngest brother. और मेरी aunt का जो सबसे छोटा भाई था रोनी, सिंगिंग बर्टी वाई डू यू बाउंड, वो एक गाना गाते हुए गया था बर्टी वाई डू यू बाउंड करके, गाने का टाइटल है. एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, ये गाना हमेशा गाता था वो अपनी बहन को चिढ़ाने के लिए. बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, क्योंकि वो अक्सर बोलती थी मुझे ये गाना पसंद नहीं है, मैं इससे परेशान हो जाती हूँ, तो वो और चिढ़ाने के लिए ये गाना गाता था उसको. डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो. तो वो नीस जो है लड़की वो बोलती है फ्रैम्पटन एटल से कि तुम्हें पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इवनिंग्स में शाम के समय पे मुझे बड़ी डरावनी सी फीलिंग आती है कि अब वो अचानक आए, वो आए और वो सीधा विंडो में से कूद के आ जाएंगे, ऐसी मुझे फीलिंग आती है कई बार. तो अक्सर शाम को जब मैं देखती हूँ खिड़की खुली रहती है डेली, तो ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि वो आने वाले हैं, आने वाले हैं. शी ब्रोक ऑफ विद अ लिटिल शडर, और ये बोल के वो एकदम रुक गई और थोड़ी कांपने लग गई. It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance. ये थोड़ा सा आराम का मतलब थोड़ा relief मिला Frampton को, क्योंकि वो ये सुनके, वो भी क्योंकि उसको nerves की problem है, वो तो वैसे tension में आ जाता है, तो ये सुनके मतलब वो परेशान हो रहा था Frampton. इतने में उसकी जो aunt है वो कमरे में अंदर आती है और बहुत सारी माफ़ी मांगती है कि मुझे लेट हो गई, माफ़ी चाहिए मुझे, मतलब लेट होने के लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे.
और इस बात से मतलब फ्रेमटन बड़ा खुश होता है कि चलो ठीक है यान टारगी माहौल थोड़ा बदलेगा, अब तक तो थोड़ा भयानक माहौल हो गया था, कहानी सुन के डर लगने लग गया उसको। ठीक आई होप वीरा हैज बीन अम्यूजिंग यू सी सैड, तभी वो बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ वीरा आपको मतलब एक तरह से एंटरटेन कर रही होगी। अब लड़की का नाम क्या है, वीरा, जो 15 साल लड़की है। तो शी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रेमटन, तो फ्रेमटन ने कहा कि हाँ ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की है। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो सेड मिसेस सेपल्टन ब्रिस्कली, तभी मिसेस सेपल्टन जल्दी से बोल देती है मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी खुली हुई खिड़की से कोई आपत्ति नहीं होगी। अभी तो उसको कहानी सुनी, सारी सा कहानी सुनी उसने वीरा से, खिड़की क्यों खोल रखी, और अभी दोबारा से खिड़की का मैटर निकल के आ गया। वो तो वैसे ही खिड़की पर सोचा था चलो खिड़की का मैटर बंद हुआ, टॉपिक चेंज हो गया, आंट आ गई इसकी, अब आंट आ जाएगी तो टॉपिक कोई दूसरे बात करेंगे। परंतु तो उसकी आंट ने जाते बोल दिया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको खुली हुई खिड़की से कोई समस्या नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम द शूटिंग, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई अभी शूटिंग से डायरेक्टली आते होंगे, एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, और वो हमेशा इसी रास्ते से आते हैं। अब भैया देखो मतलब अभी थोड़ी देर पहले तो उसने कहानी सुनी और अब देखो ये आंट ऐसी बातें कर रही है इसकी कि वो तो बस आते ही होंगे। दे हैव बीन आउट ऑफ स्नैप इन द मार्शेस टुडे सो दे विल मेक ए फाइन मैस ओवर माई पुअर कार्पेट सो लाइक यू मैन फॉक्स इज इट। तो वो आज मतलब शिकार खेलने के लिए गए हैं एक तरीके से झाड़ियों में इधर, तो वो क्या करेंगे, वो काफी गंदे होके आएंगे। दे विल मेक ए फाइन मैस ओवर माई पुअर कार्पेट, मेरी कार्पेट को गंदा कर देते हैं वो बिल्कुल, इसलिए मैं उनको मतलब बेसिकली खिड़की से आने के लिए बोलती हूँ। सो लाइक यू मैन फॉक, तुम सब आदमी लोग ऐसे ही होते हो कि सब गंदा करके लाते हो फिर घर गंदा कर देते हो, इजंट इट। शी रेटल्ड ऑन चेयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द स्कैसिटी ऑफ बर्ड्स, वो बड़ी खुश होकर बता रही थी शूटिंग के बारे में और ये बर्ड्स की काफी कमी हो गई है आजकल, शिकार करने के लिए बर्ड्स मिलते नहीं है, एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर, और बतख के क्या चांसेस है, बतख मिलने की क्या संभावनाएं रहती हैं, उनका शिकार भी किया जा सकता है। तो ये सब बड़ी खुश होकर बता रही थी वो। परंतु फ्रेमटन निटल तो परेशान है, क्यों, क्योंकि उसको तो वीरा ने बताया कि उनकी डेथ हो गई हस्बैंड की और मतलब भाइयों की, ब्रदर्स की। और ये लेडी तो वेट कर रही कि वो आएंगे, और ऐसे बल्कि खुश होकर बोल रही है, तो उसे तो लगने लगा कि मतलब उसे फील होने लग गया कि तो गड़बड़ मामला। तो टू फ्रेमटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल, फ्रेमटन के लिए तो ये सब बिल्कुल भयानक था कि भैया ये एंट कैसे बात कर रही है, ये मिसेस सेपल्टन बातें कैसे कर रही है। ही मेड इट डेस्परेट बट ओनली पार्शियल सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू ए लेस गेस्टली टॉपिक, उसने बड़ा ही मतलब परेशान मतलब एक कि भाई जल्दी से कोई टॉपिक चेंज कर दो, इस टॉपिक को मुझे और बात नहीं करनी है। परंतु उसका अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं रहा, उसने ट्राई तो किया पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू ए लेस गैस्टली टॉपिक, थोड़े से कम डरावने टॉपिक, लेस गैस्टली टॉपिक यानी कम डरावने टॉपिक पर वो बात करना चाह रहा था, उसने प्रयास किया कि ये टॉपिक बदल जाए, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा। ही वॉज कॉन्शियस दैट इज होस्टेस वॉज गिविंग हिम ओनली फ्रेगमेंट ऑफ हर अटेंशन, उसको एक बात पता चल गई थी कि उसकी जो ये होस्टेस है मतलब जो मालकिन है इस घर की, जिस क्योंकि तो मेहमान है खुद, तो क्योंकि इसकी जो घर की मालकिन है ये मेरे पे बहुत कम ध्यान दे रही है, मतलब ये मेरी बात पे ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रही कि मैं क्या चाह रहा हूँ, कि मैं टॉपिक चेंज करना चाह रहा हूँ, पर ये ध्यान नहीं दे रही है। एंड हर आईज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट हिम टू द ओपन विंडो, और मिसेस सेपल्टन की आंखें जो है ना इसकी लगातार आंखें बार बार उस खिड़की की तरफ जा रही है ना, एंड द लॉन बियॉन्ड, और साथ में सामने लॉन पर नजरें जा रही है इसकी बार बार। इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट कॉन्सिडेंस दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी, और ये बड़ा ही मतलब दुर्भाग्य है, कोइंसिडेंस बोल सकते, तुक्का एक तरीके से कि भैया कि मैं भी ऐसे दिन इस घर में आया हूँ जिस दिन एनिवर्सरी है इनकी डेथ की, उनकी मतलब हस्बैंड की और उसके भाइयों की डेथ की एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी पे आ गया हूँ मैं, सालगिरह पे। तो बड़ा ही दुर्भाग्य सा एक कोइंसिडेंस हो गया है मेरे साथ। तो डॉक्टर्स एग्री, मन में सोच रहा होता है मतलब वो, द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट इन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, अनाउंस फ्रेमटन। तभी फ्रेमटन बीच में बोल पड़ता है कि डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि मुझे पूरी तरह आराम की आवश्यकता है और मैं किसी भी तरह के ऐसे मेंटल एक्साइटमेंट को नहीं सहन कर सकता, और खास तौर पे ये जो इस तरह का एक्साइटमेंट होता है ना, वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज वाला, कि भैया इसमें थोड़ा खून खराबा सा भी हो और ऐसी चीजें हुई हो, ऐसा मेरे मतलब नर्व्स को थोड़ा परेशान कर देता है। तो उसने आगे से खुद ने बताने की कोशिश करी मिसेस सेपल्टन को और वीरा को कि भैया मैं खुद बीमार हूँ ऑलरेडी, कहीं तुम मेरी बात सुन लो और टॉपिक चेंज कर दो बातचीत, मतलब जिस पे टॉपिक बात कर रहे हो मुझे इस पे बात नहीं करनी है। तो उसने खुद ने आगे से अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहा ताकि ये टॉपिक चेंज कर दे। हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबल वाइड स्प्रेड डिल्यूजन दैट टोटल स्ट्रेंजर्स एंड चांस एक्वेंटेंसेस आर हंगरी फॉर द लीस्ट डिटेल्स ऑफ वंस एलिमेंट्स एंड इनफर्मिटीज देयर कॉज इन क्योर, परंतु उसको एक बात बताती है भैया कि उसको मतलब इस बात का, हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन, वो एक तरीके से मतलब इस बात का वो सोचा था उसको कि गलत फहमी एक तरीके से कि भैया टोटल स्ट्रेंजर की अजनबियों की
थोड़ी बहुत बात सुनी जाएगी कि भैया उसकी बीमारी के बारे में कुछ जाना जाएगा कि मैं किस बीमारी से पीड़ित हूँ, है ना, मेरी क्या कमजोरी है, क्या कारण है, वो कैसे ठीक होगी बीमारी। मतलब उसको ये उम्मीद थी कि शायद ये पूछेगी जब मैं इसको बताऊंगा कि भैया मैं तो ऐसी बीमारी से परेशान हूँ, ऐसा ऐसा हो रखा है, तुम टॉपिक चेंज करो ये सब। तो परंतु मिसेस एपल्टन ने तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मतलब उसने सोचा मैं अजनबी हूँ तो अजनबी होने के नाते शायद कुछ ये पूछ ले कि भाई जब मैंने खुद ने आगे से बोल दिया मैं बीमारी से पीड़ित हूँ तो ये कुछ पूछ ले बीमारी के बारे में, कारण कॉज क्या कारण से होती है, कैसे ठीक होगी, है ना, क्या समस्या है तुम्हें। बट हुआ क्या, आगे देखो, ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड। परंतु एक्चुअल में उनके बीच में कोई तालमेल बैठा ही नहीं, मतलब टॉपिक्स पर बातचीत करने के टॉपिक्स पर तो कोई तालमेल नहीं बैठा। वो इग्नोर कर रही थी इसको और ये चाह रहा था कि वो बीमारी के बारे में बातचीत करें मेरी बीमारी के बारे में, ताकि बेसिकली ध्यान भटके उस टॉपिक से। साथ में यहाँ तक कि खाने पीने की जो बात है, ऑब्वियसली बात है मैं मेहमान हूँ, ये तो होस्ट है, इनको पूछना चाहिए कुछ खाने पीने के लिए। ये तो खाने पीने पर भी बातचीत नहीं हो पा रही थी, उस पर भी कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। मिसेस एपल्टन ने कहा नो, नहीं, इन ए वॉइस विच ओनली रिप्लेस योन एट द लास्ट मोमेंट, और उसमें बोरिंग हो के ये अभी खाने में इंटरेस्टेड नहीं है वो, है ना। देन शी सडनली ब्राइटन्ड इनटू अलर्ट अटेंशन, तभी वो अचानक एकदम अलर्ट हो गई मिसेस एपल्टन, बट नॉट टू व्हाट फ्रेम्पटन वाज सेइंग, परंतु उस बात पर अलर्ट नहीं हुई कि फ्रेम्पटन क्या कहना चाह रहा है, वो किसी और बात पर अलर्ट हो गई है। हेयर दे आर एट लास्ट, देखो वो आ गए हैं, सी क्राइड टू चिल्लाई, जस्ट इन द टाइम फॉर टी, बिल्कुल चाय के समय पे आ गए। And don't they look as if they were muddy up to the eyes? और क्या तुम्हें वो नजर नहीं आ रहे कि वो बिल्कुल पूरा आंखों तक मिट्टी में भरे हुए हैं, यानी पूरे मिट्टी में सन के आए हैं, पूरी तरह से मिट्टी में सन के पूरे ढंग से ऐसे आए हैं। Frampton shivered slightly and turned towards the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. अब Frampton तो कांपने लग गया डर के मारे, और वो वीरा की तरफ देखता है, उस भतीजी की तरफ देखता है कि उसके, मतलब इसलिए देखता है उस तरफ की थोड़ी सी सहानुभूति दर्शाने के, मतलब एक तरह से दर्शाने के लिए ये भैया तुम्हारी आंटी के साथ तो कोई सीरियस प्रॉब्लम है, ये तो देखो बेचारे इसको तो अपने हस्बैंड और भाई भी नजर आ रहे हैं, तो मतलब वो थोड़ी सहानुभूति का भाव चेहरे पे दिखा के, एक्सप्रेशन शो करके, सिंपथी का एक्सप्रेशन शो करके वो एक तरीके से वीरा की तरफ देखता है। द चाइल्ड वाज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद अ डेज्ड हॉरर, और चाइल्ड जो बच्ची है वीरा वो भी खिड़की की तरफ झांक रही है, परंतु एकदम डर के माहौल में, डर का मतलब फियर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रखा है, उसकी आंखों में साफ डर नजर आ रहा है। इन ए चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रेम्पटन स्वंग राउंड इन हिज सीट एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन। अब एकदम, क्योंकि फ्रेम्पटन भी क्या है कि वो लोग उसे पीछे की तरफ झांक रहे हैं दोनों के दोनों, तो फ्रेम्पटन अब बहुत डर चुका है, वो भी एकदम झटके से, बिल्कुल झटके से एकदम घूमता है और उसी डायरेक्शन में देखने की कोशिश करता है जिस डायरेक्शन में ये लोग दोनों झांक रहे हैं। इन द डीपनिंग ट्विलाइट थ्री फिगर्स वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टुवर्ड्स द विंडो, और एकदम ढलती हुई शाम को, है ना, तीन फिगर, तीन परछाइयां चलती हुई आ रही है विंडो की तरफ। दे ऑल कैरिड गन्स, तीनों के पास में बंदूकें हैं, है ना, एंड वन ऑफ देम वाज एडिशनली बर्डन्ड विद अ वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर्स, और एक के पास तो एक सफेद कोट भी है जो कि शोल्डर पे लटका हुआ है। अ टायर्ड ब्राउन स्पैनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स, और एक थका हुआ स्पैनियल कुत्ता भी उनके साथ में आ रहा है। Noiselessly they neared the house. धीरे धीरे बिना शोर शराबा किए वो घर के करीब आ जाते हैं। And then a hoarse young voice chanted out of the dusk. और तभी एक थोड़ी तीखी कर्कश आवाज सुनाई देती है। I say Bertie, why do you bound? मैं कहता हूँ Bertie, why do you bound? मतलब वही गाना सुनाई देता है, वही जो अक्सर मिसेस एपल्टन का छोटा भाई उसे चुराने के लिए गाता था। Frampton grabbed wildly at his stick at hat and the hall door, the gravel drive and the front gate. अब फ्रेम्पटन क्या होता है, भड़बड़ाहट में जल्दी से अपनी लकड़ी, अपनी छड़ी उठाता है, अपनी टोपी उठाता है और हॉल के दरवाजे की तरफ भागता है, एंड ग्रेवल ड्राइव, और बाहर मतलब ग्रेवल ड्राइव मतलब ग्रेवल वो रास्ता बना होता है ना कंकर पत्थर का, उस पे भागता है, फ्रंट गेट से एकदम निकल जाता है। वर डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेड लॉन्ग रिट्रीट, मतलब सीधा का सीधा वहां से टोपी छड़ी उठाई, हॉल में होते हुए भागते हुए दरवाजा खोलते हुए पेवमेंट पाथ, जो मिट्टी का जो कंकर पत्थर का जो पाथ बना रखा होता है ना घर के अंदर, अक्सर रखते हैं हम लोग घास के जो इलाका होता है उसके और उसके बीच में, मतलब एक पाथ बना के रखते हैं ताकि घास खराब ना हो चलने के लिए, उस पे होते हुए मेन गेट से बाहर निकल जाता है बाहर, हो ठीक है, और इतनी स्पीड जाता है कि साइक्लिस्ट कमिंग अलोंग द रोड, एक साइक्लिस्ट जो रोड पे आ रहा होता है ना, हैड टू टर्न इनटू द हेज टू अवॉइड इमिनेंट कोलिजन, उसको भी साइक्लिस्ट को बेचारे को छुपना पड़ता है कहीं वो ना टकरा जाए इसके साथ में, क्योंकि वो इतनी स्पीड से बिल्कुल अंधाधुंध भागते हुए आता है कि साइक्लिस्ट भी अपने खुद को बचा लेता है, मतलब खुद को बचाने भागता है कहीं ये मेरे से ना टकरा जाए, टकरा मतलब कॉलिजन को अवॉइड करने के लिए, कहीं आपस में भिड़ंत ना हो जाए हमारी। हेयर वी आर माई डियर, हम आ गए माई डियर, सेड द बियरर ऑफ द वाइट मैकिंटॉश,
वो सफेद कोट जिसके कंधे पे है, वो बोलता है मिसेस सेपल्टन को कि हम आ गए हैं माय डियर, मतलब उसका हस्बैंड बोलता है, कमिंग इन थ्रू द विंडो, देखो खिड़की से आ रहे हैं। हु वाज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप, वह कौन था जो अभी एकदम ऐसे भाग के गया यहाँ से। फिर अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन अ मिस्टर नटल सैड मिसेस सेपल्टन, मिसेस सेपल्टन ने कहा कि एक बहुत ही अजीबो गरीब आदमी मिस्टर नटल, ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस, वो सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में बात करता था और कोई टॉपिक बात ही नहीं करता था। एंड डैश्ड ऑफ विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय और अपोलॉजी, और बिना कोई गुड बाय या कोई माफी मांगे, वो तो तुम आए थे तुमसे मिला भी नहीं और ना मेरे से कोई गुड बाय का कुछ नहीं कहा, तो ऐसे ही भाग गया। वन वुड थिंक ही हैड सीन ए गोस्ट, कोई भी सोचेगा कि इसने तो भूत देख लिया हो, कोई मतलब कोई ऐसे हरकत करेगा तो कोई भी सोचेगा कि ये तो भूत देख लिया होगा, इसने ऐसा लगता है कि जैसे भागा है जैसे कोई भूत नजर आ गया हो, है ना। आई एक्सपेक्ट इट वॉज अ स्पैनियल, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पेनियल कुत्ता कुत्ता देख के भागा है, वीरा ने से कहा, नीस कैमली, नीस जो वीरा है उसने बड़े ही शांत स्वभाव से कहा कि शायद ये कुत्ते की वजह से भाग गया है। ही टोल्ड मी ही हैड ए हॉरर ऑफ डॉग्स, उसने मेरे को बताया भी था कि इसको कुत्ते से डर लगता है। ही वॉज वंस हंटेड इन टू ए सिमेट्री समवेयर ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगेज, ये पैक ऑफ डॉग्स, उसे एक बार उसके पीछे कुत्ते पड़ गए थे कहीं गंगा नदी के किनारे पे, एक बार कुत्तों का झुंड उसके पीछे पड़ गया था। एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन न्यूली डग ग्रेव विद द क्रीचर्स स्नार्लिंग एंड ग्रिलिंग एंड फोमिंग जस्ट अबव हिम, और उसको पूरी रात क्या बोलते हैं एक नई नई कोई कब्र खुदी हुई थी, उस कब्र में छुप के बितानी पड़ी कुत्तों के डर से, जहाँ उसको रात भर ना घुर्राने की दांत पीसने की ऐसी आवाजें आ रही थी, इवन इनफ टू मेक एनी वन लूज देयर नर्व्स। और ऑब्वियसली बात है ऐसे ही किसी के साथ घटना हो तो कोई भी मतलब कुत्ते को देख के डर जाएगा, कोई भी ऐसा कंडीशन में इस तरह से रिएक्ट करेगा। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी, बहुत कम समय में ऐसी रोमांटिक ऐसी मतलब रोमांचक कहानियां बना देना उसकी खासियत थी। किसकी? वीरा की। समझ में आया ना क्या हुआ? कोई भूतवाद कुछ था ही नहीं, मतलब कोई किसी की डेथ नहीं, कोई ट्रेजेडी नहीं। वीरा ने पहले फ्रैम्पटन नेटल को बेवकूफ बनाया, उसको ऐसी कहानी सुनाई, उसने पहले पता कर लिया इस व्यक्ति को, हमारी आंट मिसेस सेपल्टन के बारे में कुछ नहीं पता, इस इलाके के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसने पहले पूछ लिया है ना, और उसने बता दिया कि मेरी बहन 4 साल पहले रहती थी, तो उसने कहानी में बताया कि 3 साल पहले ट्रेजेडी हुई ताकि उसकी बहन भी चली गई उसके बाद में, ठीक है, तो कोई डाउट भी नहीं रहे। तो पहले तो फ्रैम्पटन नेटल को बेवकूफ बना दिया, बेचारे को इतना डरा दिया, और उसके बाद में अपनी आंट और बाकी सब लोगों को बेवकूफ बना दिया कि इसको तो कुत्तों से डर लगता था, ये बता भी रहा था मेरे को पहले, इसलिए ये भाग गया इस तरीके से। देखा वीरा कितनी विटी, चालाक, मिस्चिवस शैतान और मैकाबर, यानी इसमें थोड़ा सा भूत का एलिमेंट, तीनों चीजें हो गई ना, और साथ में एडवर्टाइजिंग सोसाइटी के तो मजाक उड़ाया, ये जैसे मैंने बोला कि भैया वो ना कुछ हेलो किया ना हाय किया ना गुड बाय किया कुछ नहीं, ऐसे ही चला गया। भाई तुम्हें हेलो हाय की पड़ी, बेचारे की जान आफत में आ गई, तुम लोगों ने ऐसे मतलब सामने वाले को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हो, खुद ही की फॉर्मेलिटीज में लगे हुए हो, खुद ही की मतलब चीजों के बारे में रेस्पेक्ट दिखावा इन चीजों में लगे हुए कि ऐसी परंपराएं होनी चाहिए, इस तरह से आप में संस्कार होने चाहिए, आप दूसरों से इस तरह से मिलें, उस तरह से हाय हेलो करें, ठीक है। तो इस तरह से ये एडवर्टाइजिंग सोसाइटी के कई सारे कन्वेंशन को, कई सारी मतलब परंपराओं के मजाक उड़ाया गया है कि बातचीत कैसे स्टार्ट होनी चाहिए, आपको कैसे किसी को ग्रीट करें, और आप एक को ग्रीट कर रहे हैं तो बाकियों को किस तरीके से करें, है ना, ये सब चीजें इसमें एडवर्टाइजिंग सोसाइटी को मतलब एक तरह से क्रिटिसाइज करते हुए उस पर सेटराइज किया गया, उस पर कटाक्ष किया गया है राइटर के द्वारा। तो ये अपनी स्टोरी थी द ओपन विंडो, किसी को समझ में नहीं आई हो तो अभी भी मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है, मैं और समझा दूंगा चीजें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।